दलालों की मिलीभगत से शादी अनुदान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। दरअसल अलीगढ़ गरीब बेटियों की शादी के लिए संचालित शादी अनुदान योजना में दलालों की मिलीभगत से फर्जीवाड़ा हुआ। इस योजना में हुए घोटालों में दलालों की भूमिका सामने आई है। दलाल और कुछ अधिकारी कर्मचारियों ने साठगांठ कर फर्जी आवेदनों पर 69 लाख रुपए बांटे हैं। फर्जीवाड़े की जानकारी जिलाधिकारी को हुई तो जिलाधिकारी ने इसकी जांच कराई। समाज कल्याण विभाग उपनिदेशक संदीप कुमार द्वारा जांच की गई तो जांच में 69 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है। घोटाले की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद अधिकारियों में खलबली मच गई। सबसे बड़ा घोटाला अतरौली तहसील का है। इस घोटाले में दलालों के साथ साथ जनसेवा केंद्रों की भी संदिग्ध भूमिका है। नहीं, जांच रिपोर्ट अभी 2 दिवस पहले प्राप्त हुई है। जो समाज कल्याण विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर ने इसकी जांच की थी और उसमें कुछ तथ्य भी उन्होंने जांच रिपोर्ट में अपने अंकित किए हैं। उसके क्रम में आगे कार्रवाई करने हेतु प्रकरण को CDO को संदर्भित किया गया है। शीघ्र ही जो भी उसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी और जिन्होंने गलत पैसे अगर आहरित कर लिए होंगे तो उसकी वसूली भी होगी। अच्छा, साथ ही जो है उसके अलावा एक टिप्पणी और की गई पारिवारिक लाभ योजना जो है उसकी जांच अभी कोई उसकी समाचारों में खबर प्रकाशित हुई लेकिन अभी उसकी कोई जांच नहीं हुई और ना ही कोई ऐसे एविडेंस आए हैं। तो अगर कोई सारभूत किस्म की शिकायत आती है तो उसकी भी जांच जरूर कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसकी कार्रवाई। लेकिन जांच अधिकारी ने टिप्पणी में एक चीज़ जरूर लिखा है उसमें, क्योंकि पारिवारिक लाभ योजना के जो वो लोग नहीं वो जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट अभी उपलब्ध नहीं करा रहे लगातार पत्राचार के बाद, वो जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई। समाज कल्याण विभाग का शादी अनुदान योजना की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिस पर कार्रवाई की जा रही है। वो जांच रिपोर्ट आ जाएगी तो उस पर भी कार्रवाई। डीएम साहब, एक सवाल और इसमें आखिरी कि आखिर इसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारी CDO और जिला समाज कल्याण अधिकारी की होती है तो आखिर इसमें कौन जिम्मेदार रहा, किसको मानते? तीन ही लोग इसमें देखिए, इस पात्रता चयन का एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में स्थलीय सत्यापन के उपरांत जांच होने पर जो पात्र व्यक्ति पाए जाते हैं उनको अनुदान दिए जाने की कार्रवाई प्रचलित की जाती है। अब जिस व्यक्ति ने सत्यापन किया, जिस अधिकारी ने, दोष उसका है कि अगर उसने गलत व्यक्ति का सत्यापन कर दिया है तो जिस अंश तक जाँचकर्ता अधिकारी दोषी है उस अंश तक जाँचकर्ता अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई होगी। और अगर लाभार्थी ने गलत तरीके से